अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नीतू राज एक भी रहा आप लोगों के बीच में बड़ी ही दर्दनाक कहानी एक कांड के रूप में हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया ओपीजी के माध्यम से ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी और चार लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हनी का लिखत हनी लाइन पर गौर करिहन बाबूजी बड़ा डूब के कभी जे भूमिका के लिखले हुए एक एक शब्द पर आप गौर फरमाएंगे। क्या कहे आज मानव को क्या हो गया अपने ही राह में कांट बोने लगा ख्याल कुछ भी नहीं अपनी गरिमा का गए आदमी अपना अस्तित्व खोने लगा है गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई रिश्ता सासू बहू का भी रोने घोर कलयुग की लीला शुरू हो गई पाप घर घर सिया राम होने लगा गौर करेंगे बाबूजी इंसान से अच्छे तो वो परिंदे हैं इस इंसान से अच्छे तो वो कुत्ते हैं जो फर्ज निभाना जानते हैं लेकिन हम और आप इंसान होकर भी दरिंदे बन चुके हैं। अरे वाह 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 फर्ज निभाना तो दूर हम अपना फर्ज पूरा भी नहीं कर पाते गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई रिश्ता सासू बहू का भी रोने लगा घोर कलयुग की लीला शुरू हो गई पाप घर घर सियाराम होने लगा अरे बाप फिर मैं कहने जा रही हूँ मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा हो। एक लाइन गजल है कवन गजल है महाराज आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके हमारे आप में कुछ कमियां हैं उसी कमी को कबीर जी की कलम दर्शा रही है क्या इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता सबसे बड़ा यह दोष है होता पाता है सब मगर ना संतोष है होता बाबा हमरे आप में यह दोष यह कमी है हम लोग कितनो पावल जाई जितने पावल जी उतने लालच बढ़त जाई लालच बढ़त जाई लालच साला रूका का नाम ना लेते अब यही से विराह की कहानी शुरू हो गई बड़ी ऊंची बात शायर के माध्यम से कहा
लालच ने आज मानव को अंधा बना दिया। लालच ने शादी ब्याह को धंधा बना दिया। बीए में जबलपुर से है सतना के दीप सीखा। रीवा के अशोक सिंह से सामंजस्य है दिखा। दोनों में हुआ प्यार करते वक्त पढ़ाई। बोला है अशोक सिंह तब सीखा को चताई। सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे। साथ साथी साथ मरेंगे। साथ है मरब साथ है जियब। जब ब्याह करब तो तुहरे से करब। ई कहलस के रीवा के अशोक सिंह और बीए में जबलपुर सतना की पढ़ रही जिसका नाम था दीप शिखा। दीप शिखा में और अशोक में, अशोक सिंह में प्यार हो गया। रीवा के अशोक सिंह जब दीपा दीप शिखा से दोनों लोगों का प्यार हो गया। गौर करेंगे बाबूजी, दोनों कसम ले लिए साथ जीने का साथ मरने का। जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। आज जब शादी करब तो तोसे करब। ई दोनों में वादा हो गल, टकरार हो गल, प्यार हो गल। तो गौर करेंगे, बताई ला बार बार बताई ला। ई प्यार सरवा इतना अंधा होला। प्रीत न जाने जात कुजात, नींद नाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात। जवानी सबकर सुघर होले ओपी, जवानी सबकर सुघर होले, लेकिन प्यार करे कभी एक उम्र होले। का बताई ये पंचो बुढ़ौती सबकर फूहर होले। ध्यान रहे बहादुर भैया। यही जमर बिरा में एक लाइन गीत लगल बाबा। कवन गीत हलाता गीत बड़ा तहलका मचेल। जब आइल इतना तहलका मचौलेस कि पूछा मत। कौनो मेहरारू कहत छियो का। अरे पानी हम न हैले या जिस सेमपुर से। पानी हम न हैले या जिस सेमपुर से। अवतार सैया सखी टेमपुर से। लेकिन एक लाइन वही में आऊ रह का। बड़ा मूड में है। अरे ओकर दुल्हाया वो तुम्हारे रामकृत मूड में न रही। कहो थी एक लाइन आऊ कहलस का। कसी है, अरे कसी है जवानी के कलेपुर से। अरे कसी है जवानी के कलेपुर से। अवतार सैया सखी टेम्पू से। शादी होई के कहत दीप शिखा कहले से एक दिन का कहले। अरे शादी होई तो हसे हमार सजना। अरे शादी होई तो हसे हमार सजना। राजी रही जब परिवार सजना। कहलेस शादी हम तो से करब, लेकिन हमार शर्त वह है कि जब तुहार
पूरा हमके स्वीकार कैले तब कहना पड़ल का लिखल गई भयल का परिवार हमार परिवार पूरा राजी रही हमार तुहार शादी हुई अगर हमार परिवार नहीं हो राजी रही लेकिन तुहार परिवार अगर हमके स्वीकार कह ले अशोक तो हम जरूर शादी करब जब कहबा तब शादी कर ले हमार सच्चा प्यार है कौनो एक झूठ मत समझे अशोक अइलन अपने घरे अइलन माई से बाबू से पूरी बात बता दिलन की दीप शिखा नाम के लड़की से हम प्रेम करीला उसे शादी कर चाहते आप लोगन का इच्छा है जब बाबू माई सुनन कपार पे हाथ धो लेलन कल की अरे ई का सुनत हिला कहत हवन बाबू अशोक से बाबू माई कहलन का कलन या गीत बदल गिल बाबा यहाँ कहल सुबह ध्यान दियन बाबू माई कहत हुआ अशोक कका खोजले हिला इतना बढ़िया तो रिश्ता खोजले हिला अतू बेटा हमारी इज्जत मत बोरा हमार पगड़ी मत बोरा बेटा बड़ा तो से उम्मीद रख ले हिला बड़ा तो के लेके सपना सजा के रख ले हिला ऐसा मत करो बेटा ऐसा मत करो बोल पड़े अशोक के पिताजी का कहलन अंतरा ये
बाबूजी, ये दुनिया में हम भी बताईला, ये समाज में आए दिन बताने का काम किया जाता है कि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं है। जो औलाद अपने माँ बाप की बातों को न मानता हो, टालता हो, औलाद औलाद नहीं नालायक कही जाती है। लेकिन अगर बाप मतारी गलत करें, अब बेटवा बिटिया के खिलाफ काम करें, तो वो माँ बाप के का कहल जाए, सवाल आप लोगों से। इधर बोल पड़े अशोक कि जिस लड़की से मैं तेरा रिश्ता तय करके आया हूँ बेटा, पूनम नाम की वह लड़की अति सुंदर है और बड़े घर वाली है, इतना दौलत देंगे सब, इतना दहेज देंगे बेटा कि रख नहीं पाओगे, क्यों नहीं उसके साथ शादी कर लेते, छोड़ दो दीपशिखा को, प्रेम किया भूल जाओ उसे। लेकिन इधर अशोक दीपशिखा को भूल नहीं पा रहा है, बाबूजी इतनी मोहब्बत कर रहा है उससे भूल नहीं पा रहा है। लेकिन एक लाइन आप लोगों से सवाल है, ऐसे दहेज लोभियों के लिए कहना है, कभी जी लिखते हैं तेरी में भाव हो, बतावा बतावा कहवा जाई दुनिया, सब ही दहेज लेके यही से नाम कमाई, बतावा कहवा जाई दुनिया, सबकी दहेज लेके ऐसा नाम कमाई, बतावा कहवा जाई दुनिया। ऐसे ही अशोक के पिताजी की तरह दहेज लोभी धरती पर हमारे आपके बीच में पनप रहे हैं बाबूजी, इससे मैं अवगत कराना चाहती हूँ, हुआ क्या कहना पड़ा, आइए। अरे लौट पड़ा है अशोक दिल में, बाबू का सक लिए तब बोला है, दहेज लोभी माता पिता है, धूमिल हो गया चोला है, फिर भी तुमसे करूंगा शादी, यही नियम का खेला है, बाप अशोक के मना कर दिए कि पूनम से अच्छी लड़की तुझे और दूसरी कोई मिल ही नहीं सकती, जब तुम शादी करोगे बेटा, मैंने जिसे पसंद किया है उसी पूनम से तुम्हारा रिश्ता होगा, और किसी से करोगे भी तो हम मंजूर नहीं करेंगे। तकलीफ भइल अशोक के, इतना तकलीफ भइल कि माई बाप का जवाब तक ना देवल मुनासिब समझने लौट पड़ा है, और लौट करके जब आया है पुनः शिखा के पास, और जब शिखा को बताया कि ये शिखा यही चाहती हो ना कि मेरे परिवार के लोग राजी खुशी तुझे अपना ले, तू शादी तभी मुझसे करेगी ना, लेकिन सच स्वीकार कर पाओगी, सच कुछ और है। बोल पड़ी शिखा, सच्चा प्रेम करती हूँ, जो कहोगे मैं सुनने को सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, सुनने को तैयार हूँ। बोलो अशोक क्या कहना चाहते हो, आखिर तुम्हारे माँ बाप ने क्या इस रिश्ते से मना कर दिया। बोल पड़ा अशोक, हाँ शिखा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कोई और लड़की तलाश लिया है, और वो ढेर सारा दहेज रुपया पैसा दे करके मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो है सिखा, लेकिन फिर भी अशोक जब शादी करेगा तो तुझी से करेगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, किसी और से शादी करने के लिए मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता सिखा, क्योंकि मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। पांव पकड़ लिया सिखा ने अशोक का, पांव पकड़ के कलश की ना, अशोक अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो जाओ, और जा करके उस पूनम नाम की लड़की से विवाह कर लो। गौर करेंगे बाबूजी, होता क्या है यहाँ तर्ज लगल बाबा, कौन गीत है, कभी जी लिखत हुवन, गीत बड़ी पुरान है ला बाबा, तो
अरे रोई मरब ये राजा, अरे रोई मरब ये राजा, जी बाजो पूर्व के दिशा, जय बाजो कसम दे देती है वह दीप सिखा, अगर सच्चा प्रेम करते हो अशोक तो उस प्यार की कसम है तुझे, चला जा और जा करके अपने माँ बाप के कहे अनुसार उस पूनम से शादी कर लो अशोक, यही मेरे तरफ से तोहफा है उपहार के, माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी स्वीकार कर लो अशोक। चला गए अशोक, बांध दिया उस सिखा ने उसे कसम में, चला गए जवान कैलस का बाबू, मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, नाम की लड़की से जा करके अशोक ने आखिर माँ बाप के बीच शादी कर लिया। शादी का ललन बाबू दिन बीतल, अगल कितना दिन का समय बीतल बाबा, अंतरा में कभी लिखत होना बा, माई हर में पारा लगलन जाई के नौकरी, नौकरी करत हुवन और वही नौकरी जॉब के दौरान पत्नी पूनम साथ में है, मालिक एक बेटी दे देलन और बेटिया के पैदा भइले, इधर अशोक माई पहुंचल हिन, आज जब अशोक माई बेटवा पतोही के लगे गइलिन बड़ी खुशी है वो पोती के देख के, अशोक माई बड़ी खुशी, धीरे 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 एक दिन जोन हमन के हिंदू धर्म में बेटवा खातिन माता बहिन एक व्रत उपवास रखेली बाबू, जोने का नाम है जीवतिया व्रत, जीवतिया का एक दिन का दिन रल माई मैहर में बेटवा पतोही के लगे गई लहिन, अपन खुशी का दिन बितावत है अशोक का माई बिटिया, उधर अशोक 4-5 साल का हो गई ला, गौर करिए एक दिन एक घटना घटती है, का घटना घटल बाबा आवा, कुछ दिन बीतल एक घटली घटाना हो, तू
करेंगे बाबूजी। अब यहाँ थोड़ा सा कहानी मोड़ लेते। इधर बेटी तो 4-5 वर्ष की हो गई है अशोक की, माई वही जगह। अशोक तो ड्यूटी पर चला जाता था, लेकिन उसे क्या पता है कि उसके पीठ पीछे यहाँ कुछ दूसरा ही काम चल रहा है। कौन था? पूनम का प्रेमी। जब अशोक काम पर चल जाए, ड्यूटी पर चल जाए, तो इधर पूनम समय देख करके अपने प्रेमी को बुलाती थी। एक दिन बात फंस गई, बतिया का फसल लल जानत हुआ। वह अशोक का मतारी, अशोक का मतारी देखली कली की रोज आवाला। एक दिन अगर कोनो बात रहते, एक दिन कोनो काम रहते, लेकिन ये डेली आवत। चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप। एक दिन वही अशोक का मतारी के शंका भई और भर नजर देखी ले ली आखिरकार। और जब देख लेती है तो बहू को समझा रही है। का समझाओ तीन बाबा तनी विदिशियाला। कहली माई काई कैलू करमावा हो, जानी से भी प्यारा तो है समझ लनावा। बनल सिंगार तो हरी होला का धर्मवा हो, जानी जाबा लोग खैबू का मन मुहावा। ड्यूटी से आई लाली कही देब ओ से हाल, काल मेड़ रायल आजी माई के समनावा। गौर करिहन बाबूजी, अशोक की माँ अपनी बहू पूनम को समझाती है कि जान से प्यारा मेरा बेटा तुझसे मोहब्बत करता है, जान छिड़कला मार बेटवा तोहरी पर, और तू हमरी बेटवा के पीठ पीछे इतना घिनौना अपराध करत है। कहब आई अशोक तो हम कह देव न तो सुधर जू। कहती है कि माँ फिर मैं कल से ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई माँ, अब आप मेरे पति से नहीं कहेंगी, माँ मत कहिएगा कल से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन फिर वह नीच भूल जाती है सुबह होते ही और फिर वही काम दोहराती है। तब अशोक कमाई अब लाचार हो गई। अशोक की माँ बोल पड़ती है कि नहीं मानोगी तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी। बोली कि नहीं माँ कल से ऐसा नहीं करूंगी, आप उनसे नहीं कहेंगी, वादा करिए। वादा कर लेती है नहीं करूंगी। लेकिन फिर प्रकाश दूसरे दिन आता है और पूनम उसके साथ अपना वही संबंध बनाती है। पूनम बता दे प्रकाश से कि देख ले ले है और ये कुछ न कुछ करी जरूर। तो देखा एक लाइन और बाबा का कैलस, बुढ़िया का बात सुनी अरे पूनम प्रकाश गुनी, अरे खुनी खेल खेल का बनवला योजना। दोनों मिलकर के योजना बना लेते हैं कि जब ये जान गई लिया अब एक जेले का कोनो अधिकार ना। वाह यह दुनिया है, अपने तो पाप करबे करी, आपके भी पाप में डाले का पूरा पूरा प्रयास करे ले। देखे बाबूजी भयल का यहाँ कवि जी लिखा तो बिरहा के आखिरी तर्ज है बाबा का।
आखिरकार दोनों प्लान कर लिए कि इसे नहीं जीने दिया जाएगा। दोनों मौका की तलाश में थे, नहीं है अशोक घर में, और उस बुढ़िया मतारी के अशोक के माई के दरवाजा बंद कैलन और बंद करके सब्जी वाला चाकू लेकर के चलल हुए दोनों, और चल करके वो बुढ़िया माई के पटक के गिरौलन आ गिराए कोई छाती पर चढ़ल बे पूनम। आ जब चढ़ल तो कैलस का माई हर बिलक बिलक के रोवत बे पहपट से भाव लगावा बाबा। तभी लग्य माई बोल पड़ी देखी छनवा जन्म मत मारा अके के टुअरा करवाई दर्शनवा जनवा मत मारा छाती ऊपर कस के गला दबाई हो बोरा में उलास के भरली रात में जंगल जाई हो फेंक के वापस आ गईली भावनावा जनावा मत मारा होत बिहान तब आ गईल सजनावा जनेवा मत मारा। आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला बाबू जी। रो रही है अशोक की माँ, मत करो ऐसा मेरे साथ, तू यही चाहती है कि मैं अशोक से कुछ ना बताऊं। जा बहू, मैं अपने उस बेटे की कसम खा के कहती हूँ, तू कुछ भी करेगी मैं अपने बेटे से अब नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मेरे प्राण को छोड़ दे, मेरी जान को मत। जो मेरा बेटा मैहर दर्शन कराने के लिए मुझे वहां से लेकर आया गए, तू मुझे मार डालेगी तो मेरा बेटा आखिर दर्शन किसको कराएगा? किसको मेरा बेटा दर्शन कराएगा? बेटी छोड़ दे मेरे, मुझे छोड़ दे। लेकिन दोनों नीच पापी अत्याचारी आखिरकार मानल ना बाबू, वो बुढ़िया का गला रेत दे और बोरे में लाश को भरे और भर करके लाश के लेके रातों रात जंगल धरा दे। तब कभी जी लिखत हुआ आल्हा लगवा बाबा। बड़ी ऊंची लाइन कवि जी लिखलन, कहा लिखलन आवा, धन्य भगवान धन्य तोहरा विधनवा दाता नहीं है। दुनिया का बिगड़ी बनावेला मालिक, आपके लाठी से केहू धरती पर बचल नागन न बची, यही कड़वा सत्य है। आज जौने बुढ़िया माई के मार के कुल बोरा में लाश भर के जंगल में ले जाके फेंक दलन और
वही पूनम अपने पति अशोक के आने के बाद सारी बात बता रही है कि माई सजवा को गईली सबेरवा को गईली दुपजवन ओकरे समझ में आयल तो उन कहली गईली अइली ना कहां गईली खोजत थैला पते ना। दो दिन बीता तीन दिन बीता आखिरकार अशोक अपनी माँ को ढूंढ रहा है कि मेरी माँ आखिर गई तो कहाँ गई, गई तो कहाँ गई, एक बार बता कि तो गई होती। लेकिन बाबू दो तीन दिन का दिन बीत गल और जब ना कहीं पता चलल माई का वह लड़किया परी जोने का नाम रहल बाबू बतौली कि चार पाँच साल का लड़किया रहल अशोक का। वो लड़किया एक दिन राति का सुतल ही पूनम और वो लड़की अपने पापा से बतावती है कि पापा जोने माई के खोजत हुआ माई का पता ना चलत वो माई के जानत हुआ का भेल का भेल। वो जौन अंकल आवल ना प्रकाश अंकल वही अंकल मम्मी मिल के मार लेलन आ मार के वही बोरवा में भर के पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक देना। वही लड़की छोटी सी परी सारा भेदवे खोलत भी कहलिस और का कहलस तनी सुने बाबू खड़ी लगवा बाबा रोवा गोदी लेके बिटिया यो पौधा परी ज्यादा लालच में ये दुनिया गागिल बाबू जारी दुनिया गईल बहू जड़ी तनी सुना भयल गावा माफ करिया माई नाम करवा वाली दरसनवा हो अपने पिता से दिल वाए अगनी दनवा हो हित नात सहदेव के सुनावल खरी जादे लालच में दुनिया गईल बहू जड़ी बाबूजी। वह छोटी सी बेटी जिसका नाम था परी सारे भेद को खोलती है खलस की पापा माई का तो गई ना माई के तो मम्मी मार के बोरवा भर के फेंक देलस हो पापा। तुरंत अशोक किसी से कुछ नहीं कहा और थाने पर गया है रपट FIR करवाया गया रपट लिखवाया और थाने से प्रशासन के लोग जब घर पर आए गए और पूनम से पूछताछ करे लगलन और जब पूनम से पूछताछ भइल पुलिस का डंडा पड़ल तो सारी बतिये बयां कर देलिस। अब महिला दरोगा पूनम को गिरफ्तार करती है और लेकर जा रही है और लेके जाती तिठे बात कहली का कहली वो महिला दरोगा सुने तो होई के उदास बैठल रंगल भवनवा महिला दरोगा आके कहली तब समनवा बोला हम क्या आदेश तोरे खातिर का हम करी ज्यादा लालच में दुनिया गईल बाउजरी ज्यादा लालच में ही दुनिया गईल बाउजरी। वह महिला दरोगा कहती है जहां अशोक के पिता खड़े गए अशोक खड़ा गए और वह महिला दरोगा पूनम को पकड़ करके लेके जा रही है थाने की ओर उसे जेल होने वाली है गुनाह उसने कबूल कर लिया है हाँ मैंने गलती किया है। अब वही पूनम को लेकर जब महिला दरोगा जा रही है आदेश करिए मुझे क्या करना है कौन था वह अब यही रोवा खड़ा हो जी बाबू आपका कहे के पड़ल वह महिला दरोगा बोल पड़ती है क्या बोली आवा आईली निभाव तो से दोस्ती का फर्ज हो कहला सहदेव बेटी बाटा तोहर कर्ज हो गलती हमारा बिसरा दाम चरनिया धरी दुनिया गागिल बाउज
दरोगा बन करके पूनम को गिरफ्तार करने जो आई थी उस दरवाजे पर अशोक के, वह कोई और नहीं वही दीपशिखा थी जिससे अशोक बेइंतहा मोहब्बत करता था और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन बारे लालच अशोक के पिता को लालच जागा और उन्होंने अपनी बेटे की शादी दीपशिखा से करके नहीं पूनम से विवाह कर दिया था और वही पूनम को जेल लेकर जाती गए। वही दीपशिखा बोल पड़ी, बाबूजी मेरे लिए क्या आदेश है, मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने ठुकरा दिया था, जिसे आपने शादी करने से ठुकरा दिया था, यही मेरा प्यार, यही अशोक है, इससे मैं प्रेम करती थी, लेकिन आपकी रजामंदी नहीं मिली और हम दोनों एक नहीं हो पाए। अब बताइए, मैं जा रही हूँ, पैरवा पकड़ ले लेके जाए लगलिन दीपशिखा। तब वही अशोक के पिता पैर पकड़ लेते हैं उस लड़की दीपशिखा का। मैंने गलती किया बेटी, अब उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता, मुझे माफ करना चाहती हूँ, अगर सच में मुझे बाप मानती हो तो माफ कर दे और माफी मैं तब मानूंगा कि मिल गई जब मेरे बेटे अशोक से तू विवाह कर लेगी। आय हाय हाय बाबू, जब इतनी बात अशोक का बाप कहलन, दीपशिखा और अशोक दोनों आकर के तब फिर एक हुए और पूनम को जेल हुई और यही कहानी खत्म होती। हर बार बाप मतारी ही सही ना रहना, कभी बेटा भी सही होता है। इस गीत को गाने का मेरा यही तात्पर्य है बाबूजी, हर बार हम ही सही नहीं होते, कभी बेटा भी मेरा सही होता है। तो कहानी यही खत्म होती है, खानदान का परिचय है। लालच बुरी बला होती है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो जाके उसका घर देखो, नहीं करना चाहिए। कहानी हमारी खत्म हुई, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फुला फूल गुलशन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, बतावा कहा जाई दुनिया, तू सिया राम कबल मिटी पुराई, बतावा